तो गाइस आज मैं अपनी टीममेट को सरप्राइज करने वाला हूँ बिकॉज वो कहीं ना कहीं गेमिंग के बहुत बड़े फैन है। एंड अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि वो कुछ गेमिंग माउस सर्च कर रहे थे, तो जब मैंने उनसे बात की तो मेरे को पता चला कि उनका माउस खराब हो चुका है। सो आई थॉट क्रिसमस से बेहतर क्या ओकेजन होगी उनको गिफ्ट करने की। सो अभी फिलहाल मेरे साथ वेदांत और अंकित है यहाँ पे। अरे बाद में बाल बना लेना, वैसे लोग दिवाली पर भी कर सकते थे। तो लेट्स वेट फॉर हिम एंड जैसे ही बेल बजती है तो मैं कैमरा को ऑन करता हूँ एंड लेट्स सरप्राइज हिम। सो अभी जस्ट बेल बजी है एंड आई जस्ट नीड टू मेक श्योर। अरे 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 अभी नहीं देखो भाई क्या कर रहे हो, रुक जाओ भाई। सो अभी जस्ट बेल बजी है, मेन गेट ओपन है, हमें आवाज आ गई शुभम के एंटर करने की। तो जब तक वो जूते उतारे वी नीड टू मेक श्योर कि सारी चीजें सेट है। ये भाई क्या कर रहे हो, रुक जाओ। सो गिफ्ट्स रेडी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं शुभम के, बाकी आप लोग देखते ही जाओ, लेट्स वेट फॉर हिम। मेरी क्रिसमस। अरे अच्छे से कंजूसी क्यों कर रहे हो, बढ़िया से स्प्रे करो ना। हाँ नहला दो, बस बस बाकी नहीं, बाकी स्टूडियो। अरे अरे नहीं खुशी में। अच्छा शुभम एक बात बताओ, सांता में मानते हो क्या तुम? सांता में मानता था पर फिर सांता ने गिफ्ट्स देने बंद कर दिए। आजकल कमीने आईफोन 6 मांगने लगे हैं, मैं खुद नोकिया 3310 लेके घूम रहा हूँ। अरे तुम्हारा यही भ्रम मिटाने के लिए एक्चुअली सांता तुम्हारे लिए ना कुछ छोड़ के गए वहाँ पे। देखो एक बार, सीरियसली देखो, क्या पता। देखो, माय गॉड, मिल गया तुम्हें कुछ। क्या है ये, नाम लिखा है क्या उस पे? हाँ। याद है शुभम अभी कुछ दिन पहले तुम कुछ सर्च कर रहे थे, देख रहे थे, तुमने बोला था ना तुम्हें गेमिंग माउस की जरूरत है। मैं खोल सकता हूँ? हाँ तुम्हारा ही है, सांता देके गए। तुमने हमसे माउस मांगा, हम तुम्हारे लिए एक नंबर माउस लाए। एक नंबर माउस, लाइक बेस्ट इन द इंडस्ट्री, इससे बेहतर कुछ नहीं है। क्रिसमस पे वापस से विश्वास हो जाएगा मेरे को। पैकेजिंग पे मत जाना, पैकेजिंग कस्टम बनवाया तुम्हारे लिए ना, एकदम नाम नाम लिखा हुआ। हाँ अरे नहीं, वो पैकेजिंग एक्स्ट्रा पैकेजिंग अंदर होगा। देखो 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 क्या लिखा है, देखो उस पे एक नंबर माउस। एक बार चला के तो दिखाओ, थोड़ा खेल के तो दिखाओ। ये लिया। ओ, 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 ओ। फिर से सांता पे से विश्वास हो गया। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, ऐसे नहीं करते सांता किसी के साथ। अभी ध्यान से देखो, कुछ हो सकता है तुम्हारे लिए और रखाओ। सांता ऑलवेज हो सकता है। ओह माय गॉड, व्हाट अ स्टेटमेंट। और भी कोई है क्या? कुछ बढ़िया लग रहा है, क्या बात। इसमें फिर से कुछ सरप्राइज तो नहीं मिलेगा ना मेरे को, ऐसा ही कुछ सेम सरप्राइज ही मिलेगा। नहीं वो वजन कैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा भारी है क्या? वजन के हिसाब से तो लग रहा है ईंटें रखी हुई है ना। फिर से धोखा ना हो जाए, जिम करते हैं ना भाई, ये भारी इसीलिए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ वायरलेस माउस लैम्सो, क्या बात है, ये असली है। अभी तो खोल के पता चलेगा वो तो। काफी एलीट पैकेजिंग, ये तो मैंने भी नहीं देखा, क्या बात है। ऐसा लग रहा है मैं ज्वेलरी खोल रहा हूँ। क्या बात है, वो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या बात है। और देखते हैं एक्सेसरीज क्या क्या आई हैं। इसमें साथ में स्टिकर्स भी है। यप ये स्किन है आपका कस्टम स्किन, क्या बात है, पूरे क्रिसमस थीम वैसा कर सकता हूँ। यप ये ओ हाँ यार, पूरी तरह तो उसको ज्वेलरी तो खोलो अपनी पूरी। एक्साइटमेंट हो गया है मुझे। वो क्या बात है, पेपर वर्क एलो पर क्या अच्छा है, फ्रे ब्रेडेड केबल है ये शायद। वाओ क्या बात है, प्लस इट सेज वायरलेस, तो मोस्ट प्रोबब्ली इसको वायरलेस यूज कर सकते हो तुम, है ना। हाँ ये यूएसबी डोंगल, कितनी ये केबल की क्वालिटी कितनी अच्छी है, क्या बात है। और ये तो बहुत लंबी केबल है यार, कपड़े भी सुखा सकते हो इसपे। और ये स्ट्रॉन्ग भी है, क्या बात है, सुपर। कैसा लगा शुभम? काफी ज्यादा अच्छा गिफ्ट, 1/2। अब ईंटे खोलते हैं, काश मैं भी मानता होता क्रिसमस। ये वाला कुछ बहुत स्पेशल लग रहा है, लेट्स सी। सच में बहुत हैवी है ये, है फुल पावर पैकेजिंग, क्या बात है, मैकेनिकल कीबोर्ड। यप सो दिस इज
एरियन फ्रॉस्ट। तो बेसिकली जब मैं गेमिंग माउस मंगवा रहा था ना, सो आई फाउंड दिस कीबोर्ड जो इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले लॉन्च किया अपनी वेबसाइट पे। सो मैंने सोचा कि परफेक्ट थीम एकदम क्रिसमस की हो जाएगी सब्जी बनाने के लिए। सो ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा किसके लिए है ये। काफी प्रीमियम असली वजन इसी का ही था ना। गॉड, ये कीबोर्ड ही इतना भारी है। सो आई वॉज बेसिकली रीडिंग की ये मैकेनिकल कीबोर्ड थोड़े से गेमिंग के लिए प्रेफर्ड होते हैं, बाकी तुम ही बेटर जानते हो, तुम गेमर हो। ओ ये वो हमारा है वेदांत का म्यूजिक, वो परकशंस। अंकित गुस्से में एडिट करेगा। अब तो मेरा भी मन कर रहा है देख के ना इसको गेमिंग करने का। वाओ सुपर्ब। और इतना कॉम्बिनेशन है, मेरे को एक बार साथ में देखना है। एग्जैक्टली। सो मेरा बहुत मन था कि एक पूरा कॉम्बो ही वैसा बन जाए, एंड आई रियली फाउंड दिस कीबोर्ड वेरी स्पेशल। कितना लाइट है, देख कितना लाइट है ये। देखो 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 ना, देखो सर, आप भी होल्ड करके देखो। व्हाट डू यू मीन बाय दैट। और अब ये देखो, ओए कुछ लिखा है देखना इस पे कितना वेट है। मेरे को पता ही नहीं। 55 ग्राम। ओहो 55 ग्राम। कस्टमाइजेबल कीज। क्या बात है, कुछ क्रिसमस स्पेशल कीज आए हमारे पास। अरे वाह, a huge shout out to Mekis. क्या बात है Mekis, बहुत सुंदर कीज है। एंड दिस इज बेसिकली योर कलर्ड स्विचेस। अरे बहुत मजा आएगा फिर इंटरचेंजेबल है तो करें, एक काम करें ऑपरेशन चालू कर दें, इसके कीज चेंज करके देखते हैं। ये देखो भाई, इंसान ने एक्साइटमेंट में अभी तक बैग नहीं उतारे। और ये लोग अभी मुझे ट्रोल कर रहे थे। कौन कौन कौन? अरे पकड़ो इसे। और इसमें 60 FPS नहीं आ रहा। तो गाइज आप लोग ही बता देना, एक जो फुटेज आपको दो कंबाइंड दिखेंगी, गंदी वाली फुटेज वो वाली होगी और बेटर क्वालिटी। चलो भाई रोल करते हैं। अरे क्या बोल रहे हो? अरे अंकित की मम्मी को कॉल करो। चलो लेट्स कस्टमाइज दिस। अब देखते हैं इसको कस्टम कीज कैसे यूज करेंगे। ये खोल देते हैं पैकेट एंड सबसे पहले देखो कौन से कीज है उसमें ना। मेरे को रेड कलर बहुत पसंद है एक्चुअली, और रेड तो आज तुम दोनों ने भी पहना है, क्या बात है। मेरे को रेड कलर बहुत पसंद है एक्चुअली। यार मुझे अभी भी बुरा लग रहा है यार वो देख के, वो सूख जाएगा ना स्टूडियो में ऊपर। सूख गया, सूख ही गया। हाँ फिर ठीक है। और कर दे कमेंट्स में बताना आप लोग की सूखेगा। ओके सो कौन कौन से कीज है हमारे पास, आ जाओ अंकित। कस्टम एंटर की। कस्टम एंटर। कस्टम एस्केप की। पर इसको निकालते कैसे? अब वो रहा ना वो चिमटा जो सब्जी वाला था वो। Yes, sir. So, I remember, मैंने ये चीज की हुई है। तो देखो बेसिकली इसकी टेक्निक क्या होती है, सबसे पहले जिस की को निकालना है उसके अराउंड इसको क्लिप कर दो है ना, ऐसे फंसा दो, फिर उसके बाद हल्का सा डायगनल ले लो ऐसे और सिंपली इसको पुल कर दो एंड अपना एस्केप की जो है सीधा इस पे फिट कर दो। मैं एंटर करूंगा। ये मैक और विंडोज दोनों के लिए। ओ नाइस, क्या बात है, ये हुई ना बात। अरे हाँ, कमांड कमांड की और यानी ऑल्ट यूज़ ही है। हाँ करेक्ट, हाँ दो विंडोज दिए हुए इन्होंने, वेरी नाइस, बहुत सही। वाओ यार, कमांड यूज़ इट विद मैक विंडोज। एंड मजेदार चीज पता है कि आई वाज रीडिंग इसके स्पेक्स में, ये एक्चुअली चार डिवाइसेस के साथ पेयर हो सकता है एक बारी में। चार डिवाइसेस पे एक साथ पेयर हो सकता है। यूजुअली कीबोर्ड एक बारी में एक से होते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो से होते हैं, ये चार डिवाइसेस से पेयर होता है। वाओ यार, ये की का क्या नाम है? ये की हम रैंडमली अपने कस्टम कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा नाम वेदांत, मेरा नाम वासुदेव है ना, वी लगा एक काम करते हैं, वी को हम कस्टम कर देते हैं, वी सुप्रीमेसी भाई। हां वी सुप्रीमेसी। सो वी निकाला, लगा दो वी, बस दबा दो। क्या बात है, क्या बात है, वी नाइस मैजिशियन है ना। बिल्ड क्वालिटी देख रहे हो कितनी तगड़ी है, काफी ज्यादा अच्छी। एंड आई वाज रीडिंग कुछ गेट्रॉन 3 प्रो करके स्विचेस हैं एंड लुब्रिकेशन बहुत अच्छी होती है इनमें। यस एक्चुअली में ये भी बहुत हेवी है, मतलब किस ये नहीं कि सिर्फ डब्बा है, ये भी बहुत हेवी है। आओ जी अंकित, तुम्हारा एंटर की। उसको गिफ्ट नहीं मिल रहा है, और ये सबसे ट्रिकी की है, सबसे बड़ी की है, सेकंड बिग है अंकित का, सेकंड बिग अंकित की। Oh, nice. अरे क्या बात है, प्रीटी स्मूथ यार। एंड ये हमारा सॉकेट है, नाइस। सो इसके अंदर सीधा यू हैव टू फिट इन एंटर में। अच्छा देख रहे हो तीन वो है तुम्हारे पास, नाइस यार, नाइस। क्या बात है, कस्टम तो कर लिया। लेकिन शुभम यार एक चीज बताओ, मैं ना एक चीज को लेके कंफ्यूज हूँ। मैं इसके स्पेक्स पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज देखी कि गेमिंग कीबोर्ड्स में ना एक चीज होती है एन की रोल ओवर। सो ये एन की रोल ओवर एक्चुअली ये क्या चीज है एग्जैक्टली? सो इट्स बेसिकली कि आप मल्टीपल कीज को जब आप प्रेस करोगे तो वो इसको एज इनपुट ले लेगा।
क्या बात है। एंड ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो अगर इस कीबोर्ड में है, बिकॉज अगर आप कॉम्बोज वगैरह यूज करना चाहते हो तो वो चीज एक नॉर्मल कीबोर्ड में पॉसिबल नहीं है। अच्छा के लिए ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अच्छा गेमिंग तो तुमने भी एक टाइम पे की हुई है ना। और वो है जब जैसे मैं और मेरे भाई जब खेलते ना तो एक एंड पर मैं खेलता था और एक एंड पर मेरे भैया खेलते, तो वो रीड कर लेगा ये WASD और ये वाला। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राइट आर्मी कमेंट्स में बताओ हमें कि कितने लोगों ने ऐसे गेमिंग की हुई है, क्योंकि मुझे भी याद आ गया। हाँ एक साइड मेरा भाई पकड़ता था, एक साइड मैं। चलो इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर है, जैसे कि ये माइक फीचर है जिससे आप अपना एलेक्सा गूगल या सिरी ट्रिगर कर सकते हैं। अरे वेरी नाइस। और कुछ USP बताओ ना मैकेनिकल कीबोर्ड्स के, और क्या है इसमें लाइक स्पेशलिटी? ये क्या है, ये लाइट है क्या, ये जलता है क्या? मोस्ट प्रोबब्ली बिकॉज आई थिंक ये बैकलिट है। इस पे गेम खेलेंगे ना तो पता चल जाएगा। इसमें है लाइट्स हैं। हाँ इस पे गेमिंग करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। करेक्ट लगाते हैं डाउनलोड। बहुत हैवी है तो इसके अलावा, अरे क्या बात है, स्क्रू ड्राइवर भी दिया हुआ है इन्होंने। एंड अच्छा ये एक और दिया हुआ है इन्होंने क्लिपर, वेरी नाइस। ये यूजर गाइड एंड ब्रेडेड केबल। केबल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी, है ना? ये दोनों सेम कंपनी के हैं क्या? हाँ ये एक्चुअली दोनों मैंने मैकीज से मंगवाया था, मैकीज की वेबसाइट से। एरियन फ्रॉस्ट की ऑल्दो अपनी खुद की वेबसाइट है, ये मैकीज की ही कंपनी है। इन्होंने जस्ट अभी आई थिंक क्रिसमस से कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है ये कीबोर्ड ना। पर एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? कि मैंने एक्चुअली ऑलरेडी एक गेमिंग माउस ऑर्डर कर लिया था। कब? कल। अरे कल आपने मेरे को पहले सरप्राइज दिया होता तो। अरे यार क्रिसमस आज थी, मैं इसको प्लान ही कर रहा था, 3 दिन बाद तो ये एक्चुअली हुआ है, शिप होके आया मेरे पास ना। कुछ हिंट वगैरह भी नहीं दी थी क्या? नहीं मैं देख रहा था शुभम गेमिंग माउस सर्च कर रहा था, वो मेरे को लगा वो वेट करेगा 2 घंटे में, तो ये हमने बनाया है ये देखो। मुझे पता होता तुम गेमिंग करते हो। एक्चुअली सोचो तुम्हें तब ये कीबोर्ड नहीं मिलता। चलो एटलीस्ट एक काम करो, एटलीस्ट अपना हाथ लगा दो इस पे आज, जितनी गेमिंग करनी है तुम लोगों को, आज तुम्हारे लिए छुट्टी है स्टूडियो में, है ना? इनफैक्ट सब लोग मिलके जितनी आज गेमिंग करनी है आज सारी गेमिंग कर डालते हैं। इनफैक्ट मैं इसको ट्राई तो डेफिनेटली करना चाहता हूँ, है ना? एक्चुअली मैं गेमिंग इतनी करता नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार मैं लेजिट लाइफ में मैकेनिकल कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ। एंड सो आई रिमेम्बर मैंने ये चीज की हुई है। I've always, you know, heard about it, कि कैसा वो इसका वो ASMR sound होता है, and plus मैंने कभी माउस भी इतना वो नहीं देखा, especially इतना lightweight and ergonomic mouse. True. इसकी build quality definitely बहुत ज़्यादा अच्छी है। So I really want to test this out, और मेरे को देखना है मैजिक माउस से क्या डिफरेंस है इसमें, बिकॉज मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट मैजिक माउस है। सो आई हैव बीन यूजिंग दैट काफी टाइम से, बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि कैसा रिस्पॉन्स है इसका, बिकॉज यहाँ पे काफी अच्छे इसके शॉर्टकट्स भी हैं, प्रीटी गुड स्टफ। चलो देखते हैं इसको कनेक्ट करते हैं, लेट्स सी इसकी लाइटिंग वाइटिंग कैसी है। कैसा एक्सपीरियंस राज? खूब भर भर के हैं गेमिंग की, इतनी तो गेमिंग हम लोगों ने तो नहीं की होगी पहले, है ना? शुभम तो करता रहता होगा। मैंने तो बहुत बात करी। कैसा रहा वेदांत, क्या एक्सपीरियंस रहा बताओ? बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड और माउस है, मैं बताता हूँ। हाँ। जो सबसे बढ़िया चीज लगी कि एकदम ना लाइट वेट है और इसकी सेंसिटिविटी बहुत तगड़ी है, मतलब कि मैं ऐसे थोड़ा भी इधर उधर कर रहा हूँ तो गेम प्ले में एम बहुत सॉलिड है इसका। और एक और चीज की ये जो कीबोर्ड का वेट है ना ये बहुत ज्यादा है, मतलब की ऐसे आपको वीडियो से तो उठा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत हेवी है, तो जब भी आप इस पे गेमिंग कर रहे हो ना या फिर कोई भी की जोर से भी दबा रहे हो तो ये कीबोर्ड हिल नहीं रहा है। एंड मेरे को टू बी ऑनेस्ट जो सबसे सही बात लगी ना वो है ये इसका जो फील है ना, मतलब ये कर्व्ड है तो वो उंगलियां बहुत अच्छे फिट होती है, उसके अलावा जब अंदर जाता ना तो ये चीज चुभती भी नहीं है हमें आसपास, जब अंदर जाता ना तो ये चीज चुभती भी नहीं है हमें। अरे हमारे गेमर भाई से भी पूछ लो। हां गेमर भाई हां बताओ। काफी प्रिसाइज है। हाँ। मतलब एवरीथिंग की पूरे क्लिक्स भी, मूवमेंट बहुत अच्छी है एंड की इसका ट्रैवल बहुत अच्छा है, स्पेशली जो इसमें इन्होंने जो RGB लाइट के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, कि आप अपने गेम्स के हिसाब से आप जिस हिसाब से आप बाइक चाहते हो वैसा कर सकते हो। I also liked one thing, इसमें ना एक ऑल रेड वाला मोड भी था, वो बड़ा कूल लगा मेरे को, देखना एक बार प्रेस करके, वो शायद लाइट की को प्रेस करके आ रहा था, ये रहा फुल रेड। ओ क्रेजी। अब एक बार मोड्स चेंज करते हैं। ओ
नाइस क्रेजी। और सबसे अगर पूछ लिया भाई गेमिंग तो आपने भी खूब करी है। मैं तो यार तुम लोगों की खुशी में मेरी खुशी है, तुम लोगों को पसंद आ गया तो मुझे भी पसंद आ गया। आप बताइए क्या बढ़िया। यार देखो मैं जनरली ज्यादा गेमिंग वेमिंग तो करता नहीं हूँ, बट मेरे को सबसे मेन बात यही लगी कि काफी ज्यादा रोबस्ट है, मेरे को बिल्ड क्वालिटी से मतलब है, बिकॉज डेफिनेटली आई डोंट गो इनटू डीपीआईज एंड ऑल, दो बहुत सही सही फीचर्स हैं, लेकिन मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट यही लगा दैट बिल्ड जस्टिफाई करती है कॉस्ट, क्योंकि इवेंचुअली व्हेन आई पेड द बिल तो मेरे को लग रहा था कि यार इतना अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो कैसी चीज आएगी एंड कैसे डिफरेंट होगा नॉर्मल कीबोर्ड माउस से। सो मेरे अकॉर्डिंग टू लाइक 10 ऑन 10 है बिल्ड, एंड स्पेशली माउस यू नो लाइक इट शुड बी, इट्स वे टू लाइट, मतलब इट्स वेरी लाइट, और कीबोर्ड तो हैवी होना ही चाहिए बिकॉज क्या सबसे ज्यादा एग्रेसिव चीजें इस पे होती है, तो 10 on 10। इवन एंगर भी जब हारते हैं तो एंगर भी इसी पे निकलता है। हाँ लेकिन इस पे नहीं मारना है, इस पे मारना है। सही बात। एंड इवन ये जो की है ना ये तो दिया हुआ है, इसके जो अंदर एक बेड होता है उसके भी एक्स्ट्रा पार्ट्स दिए रखे हैं। करेक्ट, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है जब आप की निकालते हो ना कभी कभी आप ज्यादा एग्रेसिवली या सही तरीके से नहीं निकालते ना तो अंदर एक्चुअली जो वो इसका सर्किट है ना वो भी कभी कभी निकल जाता है, तो उसके भी इन्होंने एक्चुअली एक्स्ट्रा पार्ट्स दिए हैं, सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा यूएसपी है इसका। ट्रू। बाकी शुभम कोई नहीं स्टूडियो में ही है तो जब चाहे तुम यूज कर सकते हो, है ना। स्टूडियो में नहीं सर, मैं तो अपना ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ।